दिन था 8 नवंबर, शाम के लगभग 8 बजे थे। इंडिया के लोग हर रोज की तरह अपने कामों में बिजी थे, लेकिन फिर अचानक से तकरीबन 8:15 पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टीवी पर लाइव आते हैं और 500 और 1000 के करेंसी नोट्स को इंडिया में बैन कर देते हैं। वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इसके बाद इस डिसीजन के महज एक दिन के अंदर 11 करोड़ लोग बैंक की लाइन में लग जाते हैं, 15 करोड़ लेबर्स का काम चला जाता है, 100 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं और जिन किसानों के हालात पहले ही ठीक नहीं थे उनको और ज्यादा लॉस झेलना पड़ता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज पर ताले लग जाते हैं, होलसेल मार्केट पूरी तरह से खत्म हो जाता है, रिटेल मार्केट के सेल डाउन चले जाते हैं, प्राइस क्रेश कर जाते हैं और ये सब हुआ मोदी जी के सिर्फ एक डिसीजन की वजह से। तो यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या डीमोनेटाइजेशन लीगल था? डीमोनेटाइजेशन का ये साफ तौर पर असर नोटबंदी के साइड इफेक्ट, नोटबंदी के बाद ये अब काफी गिर गया है। अब डीमोनेटाइजेशन को 6 साल हो गए हैं, लेकिन आज इस सब की बात हम क्यों कर रहे हैं? देखिए, डीमोनेटाइजेशन के खिलाफ 58 पेटिशन फाइल हुई हैं और इन पेटिशंस की सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2022 में एस अब्दुल नजीर की लीडरशिप में 5 जजेस की एक बेंच बनाई जो नवंबर में इस बात पर सुनवाई करेंगे कि क्या डीमोनेटाइजेशन लीगल था या फिर इलीगल। इससे पहले 16 दिसंबर 2016 को इस मामले की सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजेस की एक बेंच बनाई थी और जिसमें कहा गया था कि डीमोनेटाइजेशन फ्यूचर के लिए एक बेनिफिशियल मूव है। तो डीमोनेटाइजेशन के लीगल और इलीगल को जानने से पहले हमें इसके फायदे और नुकसान जानने चाहिए। देखिए, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तब 500 और 1000 के नोट्स की वैल्यू 15.41 लाख करोड़ थी और उसमें गवर्नमेंट का अनुमान ये था कि 3 लाख करोड़ इसमें ब्लैक मनी है जो कि बैंकों में वापस नहीं जमा होंगे। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा, सारे के सारे नोट बैंकों में वापस आ गए, सिर्फ 0.7% नोट ही बैंकों में वापस नहीं आ सके। उस समय RBI इस डिसीजन के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी, इसलिए RBI को अगले 2 सालों में कोई 13,000 करोड़ रुपये खर्च करने पड़े थे इंडियन करेंसी मार्केट को वापस रिमोनेटाइज करने के लिए। RBI की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2016 से 17 में उसे न्यू नोट प्रिंट करने के लिए 7,965 करोड़ रुपये खर्च करने पड़े और वहीं उसे पिछले साल RBI ने न्यू नोट प्रिंट करने के लिए सिर्फ 3,421 करोड़ रुपये खर्च किए थे। तो इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि RBI को 4,544 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने पड़े डीमोनेटाइजेशन के बाद एक्स्ट्रा नोट प्रिंट करने के लिए, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी अगर डीमोनेटाइजेशन ना हुआ होता। RBI का सरप्लस जो साल 2015 में 65,876 करोड़ था, वो साल 2016 में डीमोनेटाइजेशन की वजह से घटकर 30,659 करोड़ रह गया और डीमोनेटाइजेशन की वजह से इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ रेट 1.5% से डाउन हो गई, जिसकी वजह से अगले एक साल में 2.25 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और 100 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और भी बहुत सारे नुकसान थे जिनके बारे में हम वीडियो के शुरू में ही बात कर चुके हैं। तो आइए अब डीमोनेटाइजेशन के फायदे देख लेते हैं। एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली मुझे इसका कोई एक भी फायदा नहीं मिला। अगर आपको कुछ फायदे लगे हों तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब आते हैं अपने अहम और इम्पोर्टेंट सवाल पर, जो है डीमोनेटाइजेशन लीगल था या फिर इलीगल और क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डीमोनेटाइजेशन को अलाउ करता है, आइए जानते हैं। देखिए, RBI एक्ट 26(2) में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट किसी भी सीरीज के नोट्स को अमान्य घोषित कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 में ये भी क्लियरली लिखा हुआ है कि राज्य किसी भी ऐसे नोटिफिकेशन को इशू नहीं कर सकती जिसे फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हो। लेकिन इस डिमोनेटाइजेशन के बाद लोगों के फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन तो हुआ है। सबसे पहले इसमें आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी का वॉयलेशन हुआ है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास अकाउंट नहीं था और कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास बैंक अकाउंट था, तो इन दोनों कैटेगरी के लोगों को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया गया। इसके बाद आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन का वॉयलेशन हुआ, आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट्स टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ का वॉयलेशन हुआ, क्योंकि इन लंबी लंबी लाइनों में कुछ लोग सफोकेशन से मरे तो कुछ लोग हार्ट अटैक से और ये आंकड़ा 100 के पार गया। और इन सब के अलावा एक अहम पॉइंट ये कि जब डीमोनेटाइजेशन का फैसला लिया गया था तो RBI के 10 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में से 7 एब्सेंट थे। तो इन सारे एक्सपेक्ट को देखने के बाद ये डिसीजन लीगल नहीं लगता, लेकिन फिर भी हम कुछ कमेंट करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का इंतजार करेंगे। तो अब इसी मंथ नवंबर में एस अब्दुल अजीज की लीडरशिप में कोई 5 जजेस की एक टीम बनाई गई है इसी केस की सुनवाई के लिए। तो क्या लगता है दोस्तों, डीमोनेटाइजेशन वाला डिसीजन एक लीगल था या फिर इलीगल, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और साथ ही अपने डीमोनेटाइजेशन से जुड़ी अपनी कहानियां भी हमें शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।